एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। द हैटिंग गेम। लूसी हडन और जोशुआ टेम्पलमैन दो कार्यकारी सहायक जो अपनी संबंधित प्रकाशन कंपनियों के विलय के बाद एक साथ काम करने के लिए मजबूर हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर संभव तरीके से पूर्ण विरोधी उनकी कभी न खत्म होने वाली प्रतिद्वंद्विता सिर पर तब आ जाती है जब वे प्रबंध निदेशक के सामने पदोन्नति के लिए आमने सामने होते। अपनी नैतिकता में समझौता किए बिना पेशेवर सफलता हासिल करने का संकल्प लेते हुए लूसी ने जोश के खिलाफ एक अपमैनशिप के एक कुर खेलों को शुरू करने का फैसला किया, जी के निर्दोष लिफ्ट की सवारी के बाद सेकंड के मामले में एक एनएसएनएसएफ डब्ल्यू को बदलने देने के बाद अपेक्षा से अधिक जटिल हो जाते हैं। जैसे जैसे उसकी कथित दस्ता के प्रति आकर्षण बढ़ता है, लूसी जोश के साथ अपने संबंधों के बारे में सब कुछ सवाल करना शुरू कर देती है, जिसमें प्यार और नफरत के बीच खींची गई बारीकी रेखा भी शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं द हेटिंग मूवी गेम के बारे में। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में बताया जा रहा है, कुछ डिटेल जान लेते हैं। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये 2021 की अमेरिकन रन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर हॉचिक्स, स्क्रीन पे दिए हैं क्रिस्टिन मैकग्रट और बेस्ड ऑन सैली थॉरन द्वारा द हेटिंग गेम, और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाउड डेल्फ्रो, ब्रायन केडी, ब्राइस डेल्फ्रो, संतोष गोविंदराजू, डैन रियर्डन, स्टारिंग दिए लूसी हेल, ऑस्टिन स्टोवेल, डेमन डूनो, सकीना जफरी, कार्बिन बर्सन, सिनेमेटोग्राफी दिए हैं नूहू गिर्नबर्ग और इसे एडिट किए जेसन निकोलसन और म्यूजिक दिए स्पेशल हॉचिक्स, प्रोडक्शन कंपनी अभिश्रण मीडिया, BCDF चित्र मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट, सज्ञा फिल्म बिग ईटी पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट किए, कार्य क्षेत्र मनोरंजन और इसका रिलीज डेट है 10 दिसंबर 2021, इसका रनिंग टाइम 102 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लूसी हेल के रूप में लूसी हटन और जोशुआ टेम्पलमैन के रूप में ऑस्टिन स्टोवेल, डैनी फ्लेचर के रूप में डेमन डूनो, पैट्रिक टेम्पलमैन के रूप में निकोलस ब्रोदी, बैक्सेल के रूप में कॉर्बिन बर्सन, सगीना जाफरी, हेलन के रूप में एनाबेल के रूप में तानिया असनेस, जोली के रूप में
यशा जैक्सन, मेको के रूप में बॉर्क यूरिच, मीडी के रूप में कैथरीन बोशेवल। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। फिल्म की घोषणा मई 2019 में की गई थी, जिससे लूसी हेल और रॉबी अमेल के मुख्य भूमिका निभाई थी। 10 नवंबर 2020 को ऑस्टिन स्टोवेल के कास्ट किया गया था, क्योंकि एमएल शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण बाहर हो गया था। फिल्म का फिल्मांकन 21 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ और 23 दिसंबर 2020 को समाप्त हुआ। जुलाई 2021 में वर्टिकल एंटरटेनमेंट ने फिल्म के वितरण अधिकार साइन कर। चलिए स्वागत के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में जान लेते हैं। द हेटिंग गेम की 10 दिसंबर 2021 को एक सीमित नाटकीय रिलीज थी। यह विभिन्न वीओडी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए भी उपलब्ध थी था। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 11 पेशेवर आलोचकों में से 82% ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा दी, जिसका औसत 6.6 था। रिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, गेवेली पेग, द हेटिंग गेम, विशमैन एडर, होपेवाल जॉन, लूसी हेप, ब्रेगलफ ली होपेवाल जॉन। द हेटिंग गेम रोटेन टोमेटो एक्स्ट्रा लिंक्स। ये बहुत लूसी हेल और ऑस्टिन स्टोवेल है। इस वर्टिकल एंटरटेनमेंट द्वारा 10 दिसंबर 2021 को सिनेमाघर और वीडियो ऑन डिमांड में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचक के आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। द हैटिंग गेम, लूसी हडन और जोशुआ टेम्पलमैन दो कार्यकारी सहायक जो अपनी संबंधित प्रकाशन कंपनियों के विलय के बाद एक साथ काम करने के लिए मजबूर हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर संभव तरीके से पूर्ण विरोधी उनकी कभी न खत्म होने वाली प्रतिद्वंद्विता सिर पर तब आ जाती है जब वे प्रबंध निदेशक के सामने पदोन्नति के लिए आमने सामने होते। अपनी नैतिकता में समझौता किए बिना पेशेवर सफलता हासिल करने का संकल्प लेते हुए लूसी ने जोश के खिलाफ एक अपमैनशिप के एक कुर खेलों को शुरू करने का फैसला किया। जी के निर्दोष लिफ्ट की सवारी के बाद सेकंड के मामले में एक एनएसएनएसएफ डब्ल्यू को बदलने देने के बाद अपेक्षा से अधिक जटिल हो जाते हैं। जैसे जैसे उसकी कथित दस्ता के प्रति आकर्षण बढ़ता है, लूसी जोश के साथ अपने संबंधों के बारे में सब कुछ सवाल करना शुरू कर देती है, जिसमें प्यार और नफरत के बीच खींची गई बारीकी रेखा भी शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं द हेटिंग मूवी गेम के बारे में। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में बताया जा रहा है, कुछ डिटेल जान लेते हैं। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये 2021 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर हॉचिक्स, स्क्रीन पे दिए क्रिस्टिन मैकग्रट और बेस्ड ऑन सैली थॉर्न द्वारा द हेटिंग गेम, और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाउड दलफ्रो, ब्रायन केडी, ब्राइस दलफ्रो, संतोष गोविंदराजू, डैन रियर्डन, स्टारिंग दिए लूसी हेल, ऑस्टिन स्टोवेल, डेमन डूनो, सकीना जफरी, कार्बिन बर्सन। सोनोग्राफी दिए हैं
नूहू गिरनबर्ग और इसे एडिट किए जेसन निकोलसन और म्यूजिक दिए स्पेशर हचिक। प्रोडक्शन कंपनी अभिश्रण मीडिया BCDF चित्र मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट सज्ञा फिल्म बिग ईटी पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट किए। कार्य क्षेत्र मनोरंजन और इसका रिलीज डेट है 10 दिसंबर 2021। इसका रनिंग टाइम 102 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लूसी हेल के रूप में लूसी हटन और जोशुआ टेपलेमैन के रूप में ऑस्टिन स्टोवेल। डैनी फ्लेचर के रूप में डेमन डोनो। पैट्रिक टेम्पलमैन के रूप में निकोलस ब्रोदी। बैक्सेल के रूप में कॉर्बिन बर्सन। शगीना जाफरी हेलन के रूप में एनाबेल के रूप में तानिया असनेस। जोली के रूप में यशा जैक्सन। मेको के रूप में बॉर्क यूरिच। मीडी के रूप में कैथरीन बोशेवल। चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। फिल्म की घोषणा मई 2019 में की गई थी जिससे लूसी हेल और रॉबी अमेल के मुख्य भूमिका निभाई थी। 10 नवंबर 2020 को ऑस्टिन स्टोवेल के कास्ट किया गया था क्योंकि अमेल शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण बाहर हो गया था। फिल्म का फिल्मांकन 21 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ और 23 दिसंबर 2020 को समाप्त हुआ। जुलाई 2021 में वर्टिकल एंटरटेनमेंट ने फिल्म के वितरण अधिकार साइन कर। चलिए फिर स्वागत के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में जान लेते हैं। द हेटिंग गेम की 10 दिसंबर 2021 को एक सीमित नाटकीय रिलीज थी। यह विभिन्न VOD प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए भी उपलब्ध थी था। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 11 पेशेवर आलोचकों में से 82% ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा दी जिसका औसत 6.6/10 था। रेफरेंस के बारे में जान लेते हैं। रेफरेंस गेवेली पेग द हेटिंग गेम विशमैन एडर होपेवाल जॉन लूसी है ब्रेगलफ ल्यू होपेवाल जॉन द हैटिंग गेम रोटेन टोमेटो अचीव्ड एक्स्ट्रा लिंक्स। ये बहुत लूसी है और ऑस्टिन स्टोवेल है। इस वर्टिकल एंटरटेनमेंट द्वारा 10 दिसंबर 2021 को सिनेमाघर और वीडियो ऑन डिमांड में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचक के आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल प्रेस द बेल आइकन। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। द हैटिंग गेम लूसी हटन और जोशुआ टेम्पलमैन दो कार्यकारी सहायक जो अपनी संबंधित प्रकाशन कंपनियों के विलय के बाद एक साथ काम करने के लिए मजबूर हुए एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर संभव तरीके से पूर्ण विरोधी उनकी कभी न खत्म होने वाली प्रतिद्वंद्विता सिर पर तब आ जाती है जब वे प्रबंध निदेशक के सामने पदोन्नति के लिए आमने सामने होते अपनी नैतिकता में समझौता किए बिना पेशेवर सफलता हासिल करने का संकल्प लेते हुए लूसी ने जोस के खिलाफ एक अपमैनशिप के एक कुर खेलों को शुरू करने का फैसला किया जी के निर्दोष लिफ्ट की सवारी के बाद सेकेंड के मामले में एक एनएसएनएस
डब्ल्यू को बदलने देने के बाद अपेक्षा से अधिक जटिल हो जाते हैं, जैसे जैसे उसकी कथित दासता के प्रति आकर्षण बढ़ता है। लूसी जोश के साथ अपने संबंधों के बारे में सब कुछ सवाल करना शुरू कर देती है, जिसमें प्यार और नफरत के बीच खींची गई बारीकी रेखा भी शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं द हेटिंग मूवी गेम के बारे में। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में बताया जा रहा है, कुछ डिटेल जान लेते हैं। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये 2021 की अमेरिकन रन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर हॉचिक्स, स्क्रीन पे दिए हैं क्रिस्टिन मैकग्रट और बेस्ट ऑन सैली थॉरन द्वारा द हेटिंग गेम, और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाउड दलफ्रो, ब्रायन केडी, ब्राइस दलफ्रो, संतोष गोविंदराजू, डैन रियर्डन, स्टारिंग दिए लूसी हेल, ऑस्टिन स्टोवेल, डैमन डूनो, सकीना जफरी, कार्बिन बर्सन, सिनेमेटोग्राफी दिए हैं नूह गिरनबर्ग और इसे एडिट किए जेसन निकोलसन और म्यूजिक दिए स्पेशर हॉचिक्स। प्रोडक्शन कंपनी अभिश्रण मीडिया, BCDF चित्र, मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट, सज्ञा फिल्म, बिग ईटी पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट किए, कार्य क्षेत्र मनोरंजन और इसका रिलीज डेट है 10 दिसंबर 2021। इसका रनिंग टाइम 102 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लूसी हेल के रूप में लूसी हटन और जोशुआ टेपलेमैन के रूप में ऑस्टिन स्टोवेल, डैनी फ्लेचर के रूप में डैमन डूनो, पैट्रिक टेम्पलमैन के रूप में निकोलस ब्रोदी, बैक्सेल के रूप में कॉर्बिन बर्सन, शगीना जाफरी, हेलन के रूप में एनाबेल, के रूप में तानिया असनेस, जूली के रूप में यशा जैक्सन, मेको के रूप में बॉर्क यूरिच, मीडी के रूप में कैथरीन बोशेवल। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। फिल्म की घोषणा मई 2019 में की गई थी, जिससे लूसी हेल और रॉबी अमेल के मुख्य भूमिका निभाई थी। 10 नवंबर 2020 को ऑस्टिन स्टोवेल के कास्ट किया गया था, क्योंकि एमएल शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण बाहर हो गया था। फिल्म का फिल्मांकन 21 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ और 23 दिसंबर 2020 को समाप्त हुआ। जुलाई 2021 में वर्टिकल एंटरटेनमेंट ने फिल्म के वितरण अधिकार साइन कर। चलिए फिर स्वागत के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में जान लेते हैं। द हेटिंग गेम की 10 दिसंबर 2021 को एक सीमित नाटकीय रिलीज थी। यह विभिन्न VOD प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए भी उपलब्ध थी था। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 11 पेशेवर आलोचकों में से 82% ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा दी, जिसका औसत 6.6/10 था। रिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। रिफरेंस गेवेली पेग, द हेटिंग गेम, विशमैन एडर, होपेवाल जॉन, लूसी हेप, ब्रेगलफ ली, होपेवेल जॉन, द हैटिंग गेम, रोटेन टोमेटो एचिप्ट। एक्स्ट्रा लिंक्स ये बहुत लूसी है और ऑस्टिन स्टोवेल है। इस वर्टिकल एंटरटेनमेंट द्वारा 10 दिसंबर 2021 को सिनेमाघर और वीडियो ऑन डिमांड में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचक के आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। द हैटिंग गेम। लूसी हडन और जोशुआ टेम्पलमैन दो कार्यकारी सहायक जो अपनी संबंधित प्रकाशन कंपनियों के विलय के बाद एक साथ काम करने के लिए मजबूर हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर संभव तरीके से पूर्ण विरोधी उनकी कभी न खत्म होने वाली प्रतिद्वंद्विता सिर पर तब आ जाती है जब वे प्रबंध निदेशक के सामने पदोन्नति के लिए आमने सामने होते, अपनी नैतिकता में समझौता किए बिना पेशेवर सफलता हासिल करने का संकल्प लेते हुए। लूसी ने जोश के खिलाफ एक अपमैनशिप के एक कुर खेलों को शुरू करने का फैसला किया, जी के निर्दोष लिफ्ट की सवारी के बाद सेकेंड के मामले में एक एनएसएनएसएफ डब्ल्यू को बदलने देने के बाद अपेक्षा से अधिक जटिल हो जाते हैं। जैसे जैसे उसकी कथित दस्ता के प्रति आकर्षण बढ़ता है, लूसी जोश के साथ अपने संबंधों के बारे में सब कुछ सवाल करना शुरू कर देती है, जिसमें प्यार और नफरत के बीच खींची गई बारीकी रेखा भी शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं द हेटिंग मूवी गेम के बारे में। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में बताया जा रहा है, कुछ डिटेल जान लेते हैं। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये 2021 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर हॉचिक्स, स्क्रीन पे दिए हैं क्रिस्टिन मैकग्रट और बेस्ट ऑन सैली थॉरन द्वारा द हेटिंग गेम, और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाउड दलफ्रो, ब्रायन के डी ब्राइस दलफ्रो, संतोष गोविंदराजू, डैन रियर्डन, स्टारिंग दिए लूसी हेल, ऑस्टिन स्टोवेल, डेमन डूनो, सकीना जफरी, कार्बिन बर्सन। सिनेमेटोग्राफी दिए हैं नूह गिरनबर्ग और इसे एडिट किए जेसन निकोलसन, और म्यूजिक दिए स्पेशर हॉचिक्स। प्रोडक्शन कंपनी अभिश्रण मीडिया, BCDF चित्र, मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट, सज्ञा फिल्म, बिग ईटी पिक्चर। डिस्ट्रीब्यूट किए कार्य क्षेत्र मनोरंजन, और इसका रिलीज डेट है 10 दिसंबर 2021। इसका रनिंग टाइम 102 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लूसी हेल के रूप में लूसी हटन और जोशुआ टेम्पलमैन के रूप में ऑस्टिन स्टोवेल, डैनी फ्लेचर के रूप में डेमन डूनो, पैट्रिक टेम्पलमैन के रूप में निकोलस ब्रोदी, बैक्सेल के रूप में कॉर्बिन बर्सन, सगीना जाफरी, हेलन के रूप में एनाबेल, के रूप में तानिया असनेस, जोली के रूप में यशा जैक्सन, मेको के रूप में बॉर्क यूरिच, मीडी के रूप में कैथरीन बोशेवल। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। फिल्म की घोषणा मई 2019 में की गई थी, जिससे लूसी हेल और रॉबी एमेल के मुख्य भूमिका निभाई थी। 10 नवंबर 2020 को ऑस्टिन स्टोवेल के कास्ट किया गया था, क्योंकि एमेल शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण बाहर हो गया था। फिल्म का फिल्मांकन 21 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ और 23 दिसंबर 2020 को समाप्त हुआ। जुलाई 2021 में वर्टिकल एंटरटेनमेंट ने फिल्म के वितरण अधिकार साइन कर। चलिए फिर स्वागत के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में जान लेते हैं। द हेटिंग गेम की 10 दिसंबर 2021 को एक सीमित नाटकीय रिलीज थी। यह विभिन्न VOD प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए भी उपलब्ध थी था। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज
की रिपोर्ट है कि 11 पेशेवर आलोचकों में से 82% ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा दी, जिसका औसत 6.6 था। रिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। रिफरेंस गेवेली पेग, द हेटिंग गेम, विशमैन एडर, होपेवाल जॉन, लूसी हेप, ब्रेगलफ ल्यू होपेवाल जॉन, द हेटिंग गेम, रोटेन टोमेटो एचिप्ट, एक्स्ट्रा लिंक्स, ये बहुत लूसी है और ऑस्टिन स्टोवेल है। इस वर्टिकल एंटरटेनमेंट द्वारा 10 दिसंबर 2021 को सिनेमाघर और वीडियो ऑन डिमांड में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचक के आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। द हैटिंग गेम, लूसी हडन और जोशुआ टेम्पलमैन दो कार्यकारी सहायक जो अपनी संबंधित प्रकाशन कंपनियों के विलय के बाद एक साथ काम करने के लिए मजबूर हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर संभव तरीके से पूर्ण विरोधी उनकी कभी न खत्म होने वाली प्रतिद्वंद्विता सिर पर तब आ जाती है जब वे प्रबंध निदेशक के सामने पदोन्नति के लिए आमने सामने होते। अपनी नैतिकता में समझौता किए बिना पेशेवर सफलता हासिल करने का संकल्प लेते हुए लूसी ने जोश के खिलाफ एक अपमैनशिप के एक कुर खेलों को शुरू करने का फैसला किया। जी के निर्दोष लिफ्ट की सवारी के बाद सेकंड के मामले में एक एनएसएनएसएफ डब्ल्यू को बदलने देने के बाद अपेक्षा से अधिक जटिल हो जाते हैं। जैसे जैसे उसकी कथित दस्ता के प्रति आकर्षण बढ़ता है, लूसी जोश के साथ अपने संबंधों के बारे में सब कुछ सवाल करना शुरू कर देती है, जिसमें प्यार और नफरत के बीच खींची गई बारीकी रेखा भी शामिल है। चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं द हेटिंग मूवी गेम के बारे में। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में बताया जा रहा है, कुछ डिटेल जान लेते हैं। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये 2021 की अमेरिकन रन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर हॉचिक्स, स्क्रीन पे दिए हैं क्रिस्टिन मैकग्रट और बेस्ट ऑन सैली थॉरन द्वारा द हेटिंग गेम, और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाउड दलफ्रो, ब्रायन केडी, ब्राइस दलफ्रो, संतोष गोविंदराजू, डैन रियरडन, स्टारिंग दिए लूसी हेल, ऑस्टिन स्टोवेल, डेमन दोनों सकीना जफरी, कार्बिन बर्सन सिनेमेटोग्राफी दिए हैं नूहू गिरनबर्ग और इसे एडिट किए जेसन निकोलसन और म्यूजिक दिए स्पेशल हॉचिक्स प्रोडक्शन कंपनी अभिश्रण मीडिया BCDF चित्र मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट सज्ञा फिल्म बिग ईटी पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट किए कार्य क्षेत्र मनोरंजन और इसका रिलीज डेट है 10 दिसंबर 2021। इसका रनिंग टाइम 102 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लूसी हेल के रूप में लूसी हटन और जोशुआ टेम्पलमैन के रूप में ऑस्टिन स्टोवेल, डैनी फ्लेचर के रूप में डेमन डोनो, पैट्रिक टेम्पलमैन के रूप में निकोलस ब्रोदी, बैक्सेल के रूप में कॉर्बिन बर्सन, शगीना जाफरी, हेलेन के रूप में एनाबेल, के रूप में तानिया असनेस, जोली के रूप में यशा जैक्सन, मेको के रूप में बॉर्क यूरिच, मीडी के रूप में कैथरीन बोशेवल।
चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। फिल्म की घोषणा मई 2019 में की गई थी, जिससे लूसी हेल और रॉबी अमेल के मुख्य भूमिका निभाई थी। 10 नवंबर 2020 को ऑस्टिन स्टोवेल के कास्ट किया गया था, क्योंकि एमएल शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण बाहर हो गया था। फिल्म का फिल्मांकन 21 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ और 23 दिसंबर 2020 को समाप्त हुआ। जुलाई 2021 में वर्टिकल एंटरटेनमेंट ने फिल्म के वितरण अधिकार साइन कर। चलिए फिर स्वागत के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में जान लेते हैं। द हेटिंग गेम की 10 दिसंबर 2021 को एक सीमित नाटकीय रिलीज थी। यह विभिन्न वीओडी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए भी उपलब्ध थी था। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 11 पेशेवर आलोचकों में से 82% ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा दी, जिसका औसत 6.6 था। रिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, गेवेली पेग, द हेटिंग गेम, विशमैन एडर, होपेवाल जॉन, लूसी हेप, ब्रेगलफ ल्यू होपेवाल जॉन, द हैटिंग गेम, रोटेन टोमेटो एचिप्ट, एक्स्ट्रा लिंक्स, ये बहुत लूसी हेल और ऑस्टिन स्टोवेल है। इस वर्टिकल एंटरटेनमेंट द्वारा 10 दिसंबर 2021 को सिनेमाघर और वीडियो ऑन डिमांड में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचक के आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। द हैटिंग गेम, लूसी हडन और जोशुआ टेम्पलमैन दो कार्यकारी सहायक जो अपनी संबंधित प्रकाशन कंपनियों के विलय के बाद एक साथ काम करने के लिए मजबूर हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर संभव तरीके से पूर्ण विरोधी उनकी कभी न खत्म होने वाली प्रतिद्वंद्विता सिर पर तब आ जाती है जब वे प्रबंध निदेशक के सामने पदोन्नति के लिए आमने सामने होते। अपनी नैतिकता में समझौता किए बिना पेशेवर सफलता हासिल करने का संकल्प लेते हुए लूसी ने जोश के खिलाफ एक अपमैनशिप के एक कुर खेलों को शुरू करने का फैसला किया। जी के निर्दोष लिफ्ट की सवारी के बाद सेकंड के मामले में एक एनएसएनएसएफ डब्ल्यू को बदलने देने के बाद अपेक्षा से अधिक जटिल हो जाते हैं। जैसे जैसे उसकी कथित दस्ता के प्रति आकर्षण बढ़ता है, लूसी जोश के साथ अपने संबंधों के बारे में सब कुछ सवाल करना शुरू कर देती है, जिसमें प्यार और नफरत के बीच खींची गई बारीकी रेखा भी शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं द हेटिंग मूवी गेम के बारे में। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में बताया जा रहा है, कुछ डिटेल जान लेते हैं। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये 2021 की अमेरिकन रन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर हॉचिक्स, स्क्रीन पे दिए क्रिस्टिन मैकग्रट और बेस्ड ऑन सैली थॉर्न द्वारा द हेटिंग गेम, और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाउड दलफ्रो, ब्रायन केडी, ब्राइस दलफ्रो, संतोष गोविंदराजू, डैन रियर्डन, स्टारिंग दिए लूसी हेल, ऑस्टिन स्टोवेल, डेमन दोनों सकीना जफरी, कार्बिन बर्सन सिनेमेटोग्राफी दिए हैं नूहू गिरनबर्ग, और इसे एडिट किए जेसन निकोलसन, और म्यूजिक दिए स्पेशल हॉचिक्स। प्रोडक्शन कंपनी अभिश्रण
मीडिया BCDF चित्र मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट सज्ञा फिल्म बिग ईटी पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट किए कार्य क्षेत्र मनोरंजन और इसका रिलीज डेट है 10 दिसंबर 2021। इसका रनिंग टाइम 102 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लूसी हेल के रूप में लूसी हटन और जोशुआ टेपलेमैन के रूप में ऑस्टिन स्टोवेल, डैनी फ्लेचर के रूप में डेमन डोनो, पैट्रिक टेम्पलमैन के रूप में निकोलस ब्रोदी, बैक्सेल के रूप में कॉर्बिन बर्सन, शगीना जाफरी हेलन के रूप में एनाबेल के रूप में तानिया असनेस, जोली के रूप में यशा जैक्सन, मेको के रूप में बॉर्क यूरिच, मीडी के रूप में कैथरीन बोशेवल। चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। फिल्म की घोषणा मई 2019 में की गई थी जिससे लूसी हेल और रॉबी एमेल के मुख्य भूमिका निभाई थी। 10 नवंबर 2020 को ऑस्टिन स्टोवेल के कास्ट किया गया था क्योंकि एमेल शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण बाहर हो गया था। फिल्म का फिल्मांकन 21 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ और 23 दिसंबर 2020 को समाप्त हुआ। जुलाई 2021 में वर्टिकल एंटरटेनमेंट ने फिल्म के वितरण अधिकार साइन कर। चलिए फिर स्वागत के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में जान लेते हैं। द हेटिंग गेम की 10 दिसंबर 2021 को एक सीमित नाटकीय रिलीज थी। यह विभिन्न VOD प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए भी उपलब्ध थी था। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 11 पेशेवर आलोचकों में से 82% ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा दी जिसका औसत 6.6/10 था। रिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। रिफरेंस गेवेली पेग, द हेटिंग गेम, विशमैन एडर, होपेवाल जॉन, लूसी हेप, ब्रेगलफ ल्यू होपेवाल जॉन, द हैटिंग गेम, रोटेन टोमेटो एचिप्ट, एक्स्ट्रा लिंक्स, ये बहुत लूसी हेल और ऑस्टिन स्टोवेल है। इस वर्टिकल एंटरटेनमेंट द्वारा 10 दिसंबर 2021 को सिनेमाघर और वीडियो ऑन डिमांड में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचक के आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। द हैटिंग गेम। लूसी हटन और जोशुआ टेम्पलमैन दो कार्यकारी सहायक जो अपनी संबंधित प्रकाशन कंपनियों के विलय के बाद एक साथ काम करने के लिए मजबूर हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर संभव तरीके से पूर्ण विरोधी उनकी कभी न खत्म होने वाली प्रतिद्वंद्विता सिर पर तब आ जाती है जब वे प्रबंध निदेशक के सामने पदोन्नति के लिए आमने सामने होते, अपनी नैतिकता में समझौता किए बिना पेशेवर सफलता हासिल करने का संकल्प लेते हुए लूसी ने जोश के खिलाफ एक अपमैनशिप के एक कुर खेलों को शुरू करने का फैसला किया। जी के निर्दोष लिफ्ट की सवारी के बाद सेकेंड के मामले में एक NSFW को बदलने देने के बाद अपेक्षा से अधिक जटिल हो जाते हैं। जैसे जैसे उसकी कथित दस्ता के प्रति आकर्षण बढ़ता है, लूसी जोश के साथ अपने संबंधों के बारे में सब कुछ
सब कुछ सवाल करना शुरू कर देती है, जिसमें प्यार और नफरत के बीच खींची गई बारीकी रेखा भी शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं द हेटिंग मूवी गेम के बारे में। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में बताया जा रहा है, कुछ डिटेल जान लेते हैं। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये 2021 की अमेरिकन रन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर हॉचिक्स, स्क्रीन पे दिए हैं क्रिस्टिन मैकग्रट और बेस्ड ऑन सैली थॉरन द्वारा द हेटिंग गेम, और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाउड दलफ्रो, ब्रायन केडी, ब्राइस दलफ्रो, संतोष गोविंदराजू, डैन रियर्डन, स्टारिंग दिए लूसी हेल, ऑस्टिन स्टोवेल, डैमन डूनो, सकीना जफरी, कार्बिन बर्सन, सिनेमेटोग्राफी दिए हैं नूह गिरनबर्ग और इसे एडिट किए जेसन निकोलसन और म्यूजिक दिए स्पेशर हॉचिक्स। प्रोडक्शन कंपनी अभिश्रण मीडिया, BCDF चित्र, मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट, सज्ञा फिल्म, बिग ईटी पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट किए, कार्य क्षेत्र मनोरंजन और इसका रिलीज डेट है 10 दिसंबर 2021। इसका रनिंग टाइम 102 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लूसी हेल के रूप में लूसी हटन और जोशुआ टेपलेमैन के रूप में ऑस्टिन स्टोवेल, डैनी फ्लेचर के रूप में डैमन डूनो, पैट्रिक टेम्पलमैन के रूप में निकोलस ब्रोदी, बैक्सेल के रूप में कॉर्बिन बर्सन, शगीना जाफरी, हेलन के रूप में एनाबेल के रूप में तानिया असनेस, जूली के रूप में यशा जैक्सन, मेको के रूप में बॉर्क यूरिच, मीडी के रूप में कैथरीन बोशेवल। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। फिल्म की घोषणा मई 2019 में की गई थी, जिससे लूसी हेल और रॉबी अमेल के मुख्य भूमिका निभाई थी। 10 नवंबर 2020 को ऑस्टिन स्टोवेल के कास्ट किया गया था, क्योंकि एमएल शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण बाहर हो गया था। फिल्म का फिल्मांकन 21 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ और 23 दिसंबर 2020 को समाप्त हुआ। जुलाई 2021 में वर्टिकल एंटरटेनमेंट ने फिल्म के वितरण अधिकार साइन कर। चलिए फिर स्वागत के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में जान लेते हैं। द हेटिंग गेम की 10 दिसंबर 2021 को एक सीमित नाटकीय रिलीज थी। यह विभिन्न VOD प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए भी उपलब्ध थी था। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 11 पेशेवर आलोचकों में से 82% ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा दी, जिसका औसत 6.6 था। रिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। रिफरेंस गेवेली पेग, द हेटिंग गेम, विशमैन एडर, होपेवाल जॉन, लूसी हेप, ब्रेगलफ ल्यू होपेवेल जॉन, द हेटिंग गेम, रोटेन टोमेटो एचिप्ट, एक्स्ट्रा लिंक्स, ये बहुत लूसी है और ऑस्टिन स्टोवेल है। इस वर्टिकल एंटरटेनमेंट द्वारा 10 दिसंबर 2021 को सिनेमाघर और वीडियो ऑन डिमांड में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचक के आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
द हैटिंग गेम। लूसी हडन और जोशुआ टेम्पलमैन दो करे करी सहायक जो अपनी संबंधित प्रकाशन कंपनियों के विलय के बाद एक साथ काम करने के लिए मजबूर हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर संभव तरीके से पूर्ण विरोधी उनकी कभी न खत्म होने वाली प्रतिद्वंद्विता सिर पर तब आ जाती है जब वे प्रबंध निदेशक के सामने पदोन्नति के लिए आमने सामने होते, अपनी नैतिकता में समझौता किए बिना पेशेवर सफलता हासिल करने का संकल्प लेते हुए लूसी ने जोश के खिलाफ एक अपमैनशिप के एक कुर खेलों को शुरू करने का फैसला किया। जी के निर्दोष लिफ्ट की सवारी के बाद सेकेंड के मामले में एक एनएसएनएसएफ डब्ल्यू को बदलने देने के बाद अपेक्षा से अधिक जटिल हो जाते हैं। जैसे जैसे उसकी कथित दस्ता के प्रति आकर्षण बढ़ता है, लूसी जोश के साथ अपने संबंधों के बारे में सब कुछ सवाल करना शुरू कर देती है, जिसमें प्यार और नफरत के बीच खींची गई बारीकी रेखा भी शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं द हेटिंग मूवी गेम के बारे में। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में बताया जा रहा है, कुछ डिटेल जान लेते हैं। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये 2021 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर हॉचिक्स, स्क्रीन पे दिए हैं क्रिस्टिन मैकग्रट और बेस्ट ऑन सैली थॉरन द्वारा द हेटिंग गेम, और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाउड दलफ्रो, ब्रायन के डी ब्राइस दलफ्रो, संतोष गोविंदराजू, डैन रियर्डन, स्टारिंग लूसी हेल, ऑस्टिन स्टोवेल, डेमन डूनो, सकीना जफरी, कार्बिन बर्सन। सिनेमेटोग्राफी दिए हैं नूह गिरनबर्ग और इसे एडिट किए जेसन निकोलसन, और म्यूजिक दिए स्पेशर हॉचिक्स। प्रोडक्शन कंपनी अभिश्रण मीडिया, BCDF चित्र, मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट, सज्ञा फिल्म, बिग ईटी पिक्चर। डिस्ट्रीब्यूट किए कार्य क्षेत्र मनोरंजन, और इसका रिलीज डेट है 10 दिसंबर 2021। इसका रनिंग टाइम 102 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लूसी हेल के रूप में लूसी हटन, और जोशुआ टेम्पलमैन के रूप में ऑस्टिन स्टोवेल, डैनी फ्लेचर के रूप में डेमन डूनो, पैट्रिक टेम्पलमैन के रूप में निकोलस ब्रोदी, बैक्सेल के रूप में कॉर्बिन बर्सन, सगीना जाफरी, हेलन के रूप में एनाबेल, के रूप में तानिया असनेस, जोली के रूप में यशा जैक्सन, मेको के रूप में बॉर्क यूरिच, मीडी के रूप में कैथरीन बोशेवल। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। फिल्म की घोषणा मई 2019 में की गई थी, जिससे लूसी हेल और रॉबी एमेल के मुख्य भूमिका निभाई थी। 10 नवंबर 2020 को ऑस्टिन स्टोवेल के कास्ट किया गया था, क्योंकि एमेल शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण बाहर हो गया था। फिल्म का फिल्मांकन 21 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ और 23 दिसंबर 2020 को समाप्त हुआ। जुलाई 2021 में वर्टिकल एंटरटेनमेंट ने फिल्म के वितरण अधिकार साइन कर। चलिए फिर स्वागत के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में जान लेते हैं। द हेटिंग गेम की 10 दिसंबर 2021 को एक सीमित नाटकीय रिलीज थी। यह विभिन्न VOD प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए भी उपलब्ध थी था। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 11 पेशेवर आलोचकों में से 82% ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा दी, जिसका औसत 6.6 था।
रेफरेंस के बारे में जान लेते हैं। रेफरेंस गेवेली पेग, द हेटिंग गेम, विशमैन एडर, होपेवाल जॉन, लूसी हेप, ब्रेगलफ ल्यू होपेवाल जॉन, द हेटिंग गेम, रोटेन टोमेटो एचिप्ट, एक्स्ट्रा लिंक्स, ये बहुत लूसी है और ऑस्टिन स्टोवेल है। इस वर्टिकल एंटरटेनमेंट द्वारा 10 दिसंबर 2021 को सिनेमाघर और वीडियो ऑन डिमांड में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचक के आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। द हैटिंग गेम, लूसी हडन और जोशुआ टेम्पलमैन दो कार्यकारी सहायक जो अपनी संबंधित प्रकाशन कंपनियों के विलय के बाद एक साथ काम करने के लिए मजबूर हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर संभव तरीके से पूर्ण विरोधी उनकी कभी न खत्म होने वाली प्रतिद्वंद्विता सिर पर तब आ जाती है जब वे प्रबंध निदेशक के सामने पदोन्नति के लिए आमने सामने होते। अपनी नैतिकता में समझौता किए बिना पेशेवर सफलता हासिल करने का संकल्प लेते हुए लूसी ने जोश के खिलाफ एक अपमैनशिप के एक कुर खेलों को शुरू करने का फैसला किया। जी के निर्दोष लिफ्ट की सवारी के बाद सेकंड के मामले में एक एनएसएनएसएफ डब्ल्यू को बदलने देने के बाद अपेक्षा से अधिक जटिल हो जाते हैं। जैसे जैसे उसकी कथित दस्ता के प्रति आकर्षण बढ़ता है, लूसी जोश के साथ अपने संबंधों के बारे में सब कुछ सवाल करना शुरू कर देती है, जिसमें प्यार और नफरत के बीच खींची गई बारीकी रेखा भी शामिल है। चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं द हेटिंग मूवी गेम के बारे में। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं, कुछ डिटेल जान लेते हैं। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये 2021 की अमेरिकन रन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर हॉचिक्स, स्क्रीन पे दिए हैं क्रिस्टिन मैकग्रट और बेस्ट ऑन सैली थॉरन द्वारा द हेटिंग गेम, और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाउड डेल्फ्रो, ब्रायन केडी, ब्राइस डेल्फ्रो, संतोष गोविंदराजू, डैन रियर्डन, स्टारिंग दिए लूसी हेल, ऑस्टिन स्टोवेल, डेमन दोनों सकीना जफरी, कार्बिन बर्सन सिनेमेटोग्राफी दिए हैं नूहू गिरनबर्ग और इसे एडिट किए जेसन निकोलसन और म्यूजिक दिए स्पेशल हॉचिक्स प्रोडक्शन कंपनी अभिश्रण मीडिया BCDF चित्र मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट सज्ञा फिल्म बिग ईटी पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट किए कार्य क्षेत्र मनोरंजन और इसका रिलीज डेट है 10 दिसंबर 2021। इसका रनिंग टाइम 102 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लूसी हेल के रूप में लूसी हटन और जोशुआ टेम्पलमैन के रूप में ऑस्टिन स्टोवेल, डैनी फ्लेचर के रूप में डेमन डोनो, पैट्रिक टेम्पलमैन के रूप में निकोलस ब्रोदी, बैक्सेल के रूप में कॉर्बिन बर्सन, शगीना जाफरी, हेलेन के रूप में एनाबेल, के रूप में तानिया असनेस, जोली के रूप में यशा जैक्सन, मेको के रूप में बॉर्क यूरिच, मीडी के रूप में कैथरीन बोशेवल। चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। फिल्म की घोषणा मई 2019 में की गई थी जिससे लूसी हेल और रॉबी एमेल के मुख्य भूमिका निभाई थी। 10 नवंबर 2020 को ऑस्टिन स्टोवेल के कास्ट किया गया था।
क्योंकि एमएल शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण बाहर हो गया था। फिल्म का फिल्मांकन 21 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ और 23 दिसंबर 2020 को समाप्त हुआ। जुलाई 2021 में वर्टिकल एंटरटेनमेंट ने फिल्म के वितरण अधिकार साइन कर। चलिए स्वागत के बारे में जान लेते हैं, इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में जान लेते हैं। द हेटिंग गेम की 10 दिसंबर 2021 को एक सीमित नाटकीय रिलीज थी। यह विभिन्न वीओडी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए भी उपलब्ध थी था। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 11 पेशेवर आलोचकों में से 82% ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा दी, जिसका औसत 6.6/10 था। रेफरेंस के बारे में जान लेते हैं। रेफरेंस गेवेली पेग, द हेटिंग गेम, विशमैन एडर, होपेवाल जॉन, लूसी हेप, ब्रेगलफ ल्यू होपेवाल जॉन। द हेटिंग गेम रोटेन टोमेटो एक्स्ट्रा लिंक्स। ये बहुत लूसी है और ऑस्टिन स्टोवेल है। इस वर्टिकल एंटरटेनमेंट द्वारा 10 दिसंबर 2021 को सिनेमाघर और वीडियो ऑन डिमांड में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचक के आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। द हैटिंग गेम, लूसी हडन और जोशुआ टेम्पलमैन दो कार्यकारी सहायक जो अपनी संबंधित प्रकाशन कंपनियों के विलय के बाद एक साथ काम करने के लिए मजबूर हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर संभव तरीके से पूर्ण विरोधी उनकी कभी न खत्म होने वाली प्रतिद्वंद्विता सिर पर तब आ जाती है जब वे प्रबंध निदेशक के सामने पदोन्नति के लिए आमने सामने होते। अपनी नैतिकता में समझौता किए बिना पेशेवर सफलता हासिल करने का संकल्प लेते हुए लूसी ने जोश के खिलाफ एक अपमैनशिप के एक कुर खेलों को शुरू करने का फैसला किया। जी के निर्दोष लिफ्ट की सवारी के बाद सेकंड के मामले में एक एनएसएनएसएफ डब्ल्यू को बदलने देने के बाद अपेक्षा से अधिक जटिल हो जाते हैं। जैसे जैसे उसकी कथित दस्ता के प्रति आकर्षण बढ़ता है, लूसी जोश के साथ अपने संबंधों के बारे में सब कुछ सवाल करना शुरू कर देती है, जिसमें प्यार और नफरत के बीच खींची गई बारीकी रेखा भी शामिल है। चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं द हेटिंग मूवी गेम के बारे में। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में बताया जा रहा है, कुछ डिटेल जान लेते हैं। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये 2021 की अमेरिकन रन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर हॉचिक्स, स्क्रीन पे दिए क्रिस्टिन मैकग्रट और बेस्ड ऑन सैली थॉर्न द्वारा द हेटिंग गेम, और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाउड दलफ्रो, ब्रायन केडी, ब्राइस दलफ्रो, संतोष गोविंदराजू, डैन रियर्डन, स्टारिंग दिए लूसी हेल, ऑस्टिन स्टोवेल, डेमन दोनों सकीना जफरी, कार्बिन बर्सन सिनेमेटोग्राफी दिए हैं नूहू गिरनबर्ग और इसे एडिट किए जेसन निकोलसन और म्यूजिक दिए स्पेशल हॉचिक्स। प्रोडक्शन कंपनी अभिश्रण मीडिया, BCDF चित्र, मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट, सज्ञा फिल्म, बिग ईटी पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट किए, कार्य क्षेत्र मनोरंजन और इसका रिलीज डेट है 10 दिसंबर 2021। इसका रनिंग टाइम 102 मिनट और ये
यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लूसी हेल के रूप में लूसी हटन और जोशुआ टेपलेमैन के रूप में ऑस्टिन स्टोवेल, डैनी फ्लेचर के रूप में डेमन डोनो, पैट्रिक टेम्पलमैन के रूप में निकोलस ब्रोदी, बैक्सेल के रूप में कॉर्बिन बर्सन, शगीना जाफरी हेलन के रूप में एनाबेल, के रूप में तानिया असनेस, जोली के रूप में यशा जैक्सन, मेको के रूप में बॉर्क यूरिच, मीडी के रूप में कैथरीन बोशेवल। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। फिल्म की घोषणा मई 2019 में की गई थी, जिससे लूसी हेल और रॉबी एमेल के मुख्य भूमिका निभाई थी। 10 नवंबर 2020 को ऑस्टिन स्टोवेल के कास्ट किया गया था, क्योंकि एमेल शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण बाहर हो गया था। फिल्म का फिल्मांकन 21 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ और 23 दिसंबर 2020 को समाप्त हुआ। जुलाई 2021 में वर्टिकल एंटरटेनमेंट ने फिल्म के वितरण अधिकार साइन कर। चलिए फिर स्वागत के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में जान लेते हैं। द हेटिंग गेम की 10 दिसंबर 2021 को एक सीमित नाटकीय रिलीज थी। यह विभिन्न वीओडी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए भी उपलब्ध थी था। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 11 पेशेवर आलोचकों में से 82% ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा दी, जिसका औसत 6.6/10 था। रिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। रिफरेंस गेवेली पेग, द हेटिंग गेम, विशमैन एडर, होपेवाल जॉन, लूसी हेप, ब्रेगलफ ल्यू होपेवाल जॉन, द हैटिंग गेम, रोटेन टोमेटो एचिप्ट। एक्स्ट्रा लिंक्स ये बहुत लूसी हेल और ऑस्टिन स्टोवेल है। इस वर्टिकल एंटरटेनमेंट द्वारा 10 दिसंबर 2021 को सिनेमाघर और वीडियो ऑन डिमांड में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचक के आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। द हैटिंग गेम, लूसी हटन और जोशुआ टेम्पलमैन दो कार्यकारी सहायक जो अपनी संबंधित प्रकाशन कंपनियों के विलय के बाद एक साथ काम करने के लिए मजबूर हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर संभव तरीके से पूर्ण विरोधी उनकी कभी न खत्म होने वाली प्रतिद्वंद्विता सिर पर तब आ जाती है जब वे प्रबंध निदेशक के सामने पदोन्नति के लिए आमने सामने होते, अपनी नैतिकता में समझौता किए बिना पेशेवर सफलता हासिल करने का संकल्प लेते हुए। लूसी ने जोश के खिलाफ एक अपमैनशिप के एक कुर खेलों को शुरू करने का फैसला किया, जी के निर्दोष लिफ्ट की सवारी के बाद सेकेंड के मामले में एक एनएसएनएसएफ डब्ल्यू को बदलने देने के बाद अपेक्षा से अधिक जटिल हो जाते हैं। जैसे जैसे उसकी कथित दस्ता के प्रति आकर्षण बढ़ता है, लूसी जोश के साथ अपने संबंधों के बारे में सब कुछ सवाल करना शुरू कर देती है, जिसमें प्यार और नफरत के बीच खींची गई बारीकी रेखा भी शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं द हेटिंग मूवी गेम के बारे में।
द हेटिंग गेम मूवी के बारे में बताया जा रहा है, कुछ डिटेल जान लेते हैं। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये 2021 की अमेरिकन रन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर हॉचिक्स, स्क्रीन पे दिए हैं क्रिस्टिन मैकग्रट और बेस्ड ऑन सैली थॉरन द्वारा द हेटिंग गेम, और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाउड दलफ्रो, ब्रायन केडी, ब्राइस दलफ्रो, संतोष गोविंदराजू, डैन रियर्डन, स्टारिंग दिए लूसी हेल, ऑस्टिन स्टोवेल, डैमन डूनो, सकीना जफरी, कार्बिन बर्सन, सिनेमेटोग्राफी दिए हैं नूहू गिरनबर्ग और इसे एडिट किए जेसन निकोलसन और म्यूजिक दिए स्पेशर हॉचिक्स। प्रोडक्शन कंपनी अभिश्रण मीडिया, BCDF चित्र, मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट, सज्ञा फिल्म, बिग ईटी पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट किए, कार्य क्षेत्र मनोरंजन और इसका रिलीज डेट है 10 दिसंबर 2021। इसका रनिंग टाइम 102 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लूसी हेल के रूप में लूसी हटन और जोशुआ टेपलेमैन के रूप में ऑस्टिन स्टोवेल, डैनी फ्लेचर के रूप में डैमन डूनो, पैट्रिक टेम्पलमैन के रूप में निकोलस ब्रोदी, बैक्सेल के रूप में कॉर्बिन बर्सन, शगीना जाफरी, हेलन के रूप में एनाबेल के रूप में तानिया असनेस, जूली के रूप में यशा जैक्सन, मेको के रूप में बॉर्क यूरिच, मीडी के रूप में कैथरीन बोशेवल। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। फिल्म की घोषणा मई 2019 में की गई थी, जिससे लूसी हेल और रॉबी अमेल के मुख्य भूमिका निभाई थी। 10 नवंबर 2020 को ऑस्टिन स्टोवेल के कास्ट किया गया था, क्योंकि अमेल शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण बाहर हो गया था। फिल्म का फिल्मांकन 21 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ और 23 दिसंबर 2020 को समाप्त हुआ। जुलाई 2021 में वर्टिकल एंटरटेनमेंट ने फिल्म के वितरण अधिकार साइन कर। चलिए फिर स्वागत के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में जान लेते हैं। द हेटिंग गेम की 10 दिसंबर 2021 को एक सीमित नाटकीय रिलीज थी। यह विभिन्न VOD प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए भी उपलब्ध थी था। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 11 पेशेवर आलोचकों में से 82% ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा दी, जिसका औसत 6.6/10 था। रिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। रिफरेंस गेवेली पेग, द हेटिंग गेम, विशमैन एडर, होपेवाल जॉन, लूसी हेप, ब्रेगलफ ली, होपेवाल जॉन, द हैटिंग गेम, रोटेन टोमेटो एचिप्ट, एक्स्ट्रा लिंक्स, ये बहुत लूसी है और ऑस्टिन स्टोवेल है। इस वर्टिकल एंटरटेनमेंट द्वारा 10 दिसंबर 2021 को सिनेमाघर और वीडियो ऑन डिमांड में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचक के आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। द हैटिंग गेम, लूसी हटन और जोशुआ टेम्पलमैन दो करे करी सहायक जो अपनी संबंधित
प्रकाशन कंपनियों के विलय के बाद एक साथ काम करने के लिए मजबूर हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर संभव तरीके से पूर्ण विरोधी उनकी कभी न खत्म होने वाली प्रतिद्वंद्विता सिर पर तब आ जाती है जब वे प्रबंध निदेशक के सामने पदोन्नति के लिए आमने सामने होते, अपनी नैतिकता में समझौता किए बिना पेशेवर सफलता हासिल करने का संकल्प लेते हुए लूसी ने जोस के खिलाफ एक अपमैनशिप के एक कुर खेलों को शुरू करने का फैसला किया। जी के निर्दोष लिफ्ट की सवारी के बाद सेकेंड के मामले में एक एनएसएनएसएफ डब्ल्यू को बदलने देने के बाद अपेक्षा से अधिक जटिल हो जाते हैं, जैसे जैसे उसकी कथित दस्ता के प्रति आकर्षण बढ़ता है। लूसी जोस के साथ अपने संबंधों के बारे में सब कुछ सवाल करना शुरू कर देती है, जिसमें प्यार और नफरत के बीच खींची गई बारीकी रेखा भी शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं द हेटिंग मूवी गेम के बारे में। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में बताया जा रहा है, कुछ डिटेल जान लेते हैं। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये 2021 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर हॉचिक्स, स्क्रीन पे दिए हैं क्रिस्टिन मैकग्रट और बेस्ट ऑन सैली थॉरन द्वारा द हेटिंग गेम, और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाउड दलफ्रो, ब्रायन के डी ब्राइस दलफ्रो, संतोष गोविंदराजू, डैन रियर्डन, स्टारिंग लूसी हेल, ऑस्टिन स्टोवेल, डेमन डूनो, सकीना जफरी, कार्बिन बर्सन, सिनेमेटोग्राफी दिए हैं नूह गिर्नबर्ग और इसे एडिट किए जेसन निकोलसन और म्यूजिक दिए स्पेशर हॉचिक्स। प्रोडक्शन कंपनी अभिश्रण मीडिया, BCDF चित्र, मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट, सज्ञा फिल्म, बिग ईटी पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट किए, कार्य क्षेत्र मनोरंजन, और इसका रिलीज डेट है 10 दिसंबर 2021, इसका रनिंग टाइम 102 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लूसी हेल के रूप में लूसी हटन और जोशुआ टेपलेमैन के रूप में ऑस्टिन स्टोवेल, डैनी फ्लेचर के रूप में डेमन डूनो, पैट्रिक टेम्पलमैन के रूप में निकोलस ब्रोदी, बैक्सेल के रूप में कॉर्बिन बर्सन, शगीना जाफरी, हेलन के रूप में एनाबेल, के रूप में तानिया असनेस, जोली के रूप में यशा जैक्सन, मेको के रूप में बॉर्क यूरिच, मीडी के रूप में कैथरीन बोशेवल। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। फिल्म की घोषणा मई 2019 में की गई थी, जिससे लूसी हेल और रॉबी एमेल के मुख्य भूमिका निभाई थी। 10 नवंबर 2020 को ऑस्टिन स्टोवेल के कास्ट किया गया था, क्योंकि एमेल शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण बाहर हो गया था। फिल्म का फिल्मांकन 21 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ और 23 दिसंबर 2020 को समाप्त हुआ। जुलाई 2021 में वर्टिकल एंटरटेनमेंट ने फिल्म के वितरण अधिकार साइन कर। चलिए फिर स्वागत के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में जान लेते हैं। द हेटिंग गेम की 10 दिसंबर 2021 को एक सीमित नाटकीय रिलीज थी। यह विभिन्न VOD प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए भी उपलब्ध था। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 11 पेशेवर आलोचकों में से 82% ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा दी, जिसका औसत 6.6 था। रिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। रिफरेंस गेवेली पेग, द हेटिंग गेम, विशमैन एडर, होपेवाल जॉन,
लूसी हैप ब्रेगलफ ल्यू हॉपेवेल जॉन द हैटिंग गेम रोटेन टोमेटो एक्स्ट्रा लिंक्स ये बहुत लूसी है और ऑस्टिन स्टोवेल है। इस वर्टिकल एंटरटेनमेंट द्वारा 10 दिसंबर 2021 को सिनेमाघर और वीडियो ऑन डिमांड में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचक के आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। द हैटिंग गेम। लूसी हडन और जोशुआ टेम्पलमैन दो कार्यकारी सहायक जो अपनी संबंधित प्रकाशन कंपनियों के विलय के बाद एक साथ काम करने के लिए मजबूर हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर संभव तरीके से पूर्ण विरोधी उनकी कभी न खत्म होने वाली प्रतिद्वंद्विता सिर पर तब आ जाती है जब वे प्रबंध निदेशक के सामने पदोन्नति के लिए आमने सामने होते। अपनी नैतिकता में समझौता किए बिना पेशेवर सफलता हासिल करने का संकल्प लेते हुए लूसी ने जोश के खिलाफ एक अपमैनशिप के एक कुर खेलों को शुरू करने का फैसला किया। जी के निर्दोष लिफ्ट की सवारी के बाद सेकंड के मामले में एक एनएसएनएसएफ डब्ल्यू को बदलने देने के बाद अपेक्षा से अधिक जटिल हो जाते हैं। जैसे जैसे उसकी कथित दस्ता के प्रति आकर्षण बढ़ता है, लूसी जोश के साथ अपने संबंधों के बारे में सब कुछ सवाल करना शुरू कर देती है, जिसमें प्यार और नफरत के बीच खींची गई बारीकी रेखा भी शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं द हेटिंग मूवी गेम के बारे में। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं, कुछ डिटेल जान लेते हैं। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये 2021 की अमेरिकन रन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर हॉचिक्स, स्क्रीन पे दिए हैं क्रिस्टिन मैकग्रट और बेस्ट ऑन सैली थॉरन द्वारा द हैटिंग गेम, और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाउड डेल्फ्रो, ब्रायन केडी, ब्राइस डेल्फ्रो, संतोष गोविंदराजू, डैन रियर्डन, स्टारिंग दिए लूसी हेल, ऑस्टिन स्टोवेल, डेमन दोनों सकीना जफरी, कार्बिन बर्सन सिनेमेटोग्राफी दिए हैं नूहू गिरनबर्ग और इसे एडिट किए जेसन निकोलसन और म्यूजिक दिए स्पेशल हॉचिक्स। प्रोडक्शन कंपनी अभिश्रण मीडिया, BCDF चित्र, मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट, सज्ञा फिल्म, बिग ईटी पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट किए, कार्य क्षेत्र मनोरंजन और इसका रिलीज डेट है 10 दिसंबर 2021। इसका रनिंग टाइम 102 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लूसी हेल के रूप में लूसी हटन और जोशुआ टेम्पलमैन के रूप में ऑस्टिन स्टोवेल, डैनी फ्लेचर के रूप में डेमन डोनो, पैट्रिक टेम्पलमैन के रूप में निकोलस ब्रोदी, बैक्सेल के रूप में कॉर्बिन बर्सन, शगीना जाफरी, हेलन के रूप में एनाबेल, के रूप में तानिया असनेस, जोली के रूप में यशा जैक्सन, मेको के रूप में बॉर्क यूरिच, मीडी के रूप में कैथरीन बोशेवल। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। फिल्म की घोषणा मई 2019 में की गई थी, जिससे लूसी हेल और रॉबी अमेल के मुख्य भूमिका निभाई थी। 10 नवंबर 2020 को ऑस्टिन स्टोवेल के कास्ट किया गया था।
क्योंकि एमएल शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण बाहर हो गया था। फिल्म का फिल्मांकन 21 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ और 23 दिसंबर 2020 को समाप्त हुआ। जुलाई 2021 में वर्टिकल एंटरटेनमेंट ने फिल्म के वितरण अधिकार साइन कर। चलिए स्वागत के बारे में जान लेते हैं, इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में जान लेते हैं। द हेटिंग गेम की 10 दिसंबर 2021 को एक सीमित नाटकीय रिलीज थी। यह विभिन्न वीओडी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए भी उपलब्ध थी था। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 11 पेशेवर आलोचकों में से 82% ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा दी, जिसका औसत 6.6 था। रेफरेंस के बारे में जान लेते हैं। रेफरेंस गेवेली पेग, द हेटिंग गेम, विशमैन एडर, होपेवाल जॉन, लूसी हेप, ब्रेगलफ ली होपेवाल जॉन। द हेटिंग गेम रोटेन टोमेटो एचिप्ट एक्स्ट्रा लिंक्स। ये बहुत लूसी है और ऑस्टिन स्टोवेल है। इस वर्टिकल एंटरटेनमेंट द्वारा 10 दिसंबर 2021 को सिनेमाघर और वीडियो ऑन डिमांड में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचक के आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Please subscribe our channel and press the bell icon. Thanks for watching this video. The Hatting Game. लूसी हडन और जोशुआ टेम्पलमैन दो कार्यकारी सहायक जो अपनी संबंधित प्रकाशन कंपनियों के विलय के बाद एक साथ काम करने के लिए मजबूर हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर संभव तरीके से पूर्ण विरोधी उनकी कभी न खत्म होने वाली प्रतिद्वंद्विता सिर पर तब आ जाती है जब वे प्रबंध निदेशक के सामने पदोन्नति के लिए आमने सामने होते। अपनी नैतिकता में समझौता किए बिना पेशेवर सफलता हासिल करने का संकल्प लेते हुए लूसी ने जोश के खिलाफ एक अपमैनशिप के एक कुर खेलों को शुरू करने का फैसला किया। जी के निर्दोष लिफ्ट की सवारी के बाद सेकंड के मामले में एक एनएसएनएसएफ डब्ल्यू को बदलने देने के बाद अपेक्षा से अधिक जटिल हो जाते हैं। जैसे जैसे उसकी कथित दस्ता के प्रति आकर्षण बढ़ता है, लूसी जोश के साथ अपने संबंधों के बारे में सब कुछ सवाल करना शुरू कर देती है, जिसमें प्यार और नफरत के बीच खींची गई बारीकी रेखा भी शामिल है। चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं द हेटिंग मूवी गेम के बारे में। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में बताया जा रहा है, कुछ डिटेल जान लेते हैं। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये 2021 की अमेरिकन रन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर हॉचिक्स, स्क्रीन पे दिए क्रिस्टिन मैकग्रट और बेस्ड ऑन सैली थॉर्न द्वारा द हेटिंग गेम, और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाउड दलफ्रो, ब्रायन केडी, ब्राइस दलफ्रो, संतोष गोविंदराजू, डैन रियर्डन, स्टारिंग दिए लूसी हेल, ऑस्टिन स्टोवेल, डेमन दोनों सकीना जफरी, कार्बिन बर्सन सिनेमेटोग्राफी दिए हैं नूहू गिरनबर्ग और इसे एडिट किए जेसन निकोलसन और म्यूजिक दिए स्पेशल हॉचिक्स। प्रोडक्शन कंपनी अभिश्रण मीडिया, BCDF चित्र, मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट, सज्ञा फिल्म, बिग ईटी पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट किए, कार्य क्षेत्र मनोरंजन और इसका रिलीज डेट है 10 दिसंबर 2021। इसका रनिंग टाइम 102 मिनट और ये
यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लूसी हेल के रूप में लूसी हटन और जोशुआ टेपलेमैन के रूप में ऑस्टिन स्टोवेल, डैनी फ्लेचर के रूप में डेमन डोनो, पैट्रिक टेम्पलमैन के रूप में निकोलस ब्रोदी, बैक्सेल के रूप में कॉर्बिन बर्सन, शगीना जाफरी हेलन के रूप में एनाबेल के रूप में तानिया असनेस, जोली के रूप में यशा जैक्सन, मेको के रूप में बॉर्क यूरिच, मीडी के रूप में कैथरीन बोशेवल। चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। फिल्म की घोषणा मई 2019 में की गई थी, जिससे लूसी हेल और रॉबी अमेल के मुख्य भूमिका निभाई थी। 10 नवंबर 2020 को ऑस्टिन स्टोवेल के कास्ट किया गया था, क्योंकि अमेल शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण बाहर हो गया था। फिल्म का फिल्मांकन 21 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ और 23 दिसंबर 2020 को समाप्त हुआ। जुलाई 2021 में वर्टिकल एंटरटेनमेंट ने फिल्म के वितरण अधिकार साइन कर। चलिए फिर स्वागत के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में जान लेते हैं। द हेटिंग गेम की 10 दिसंबर 2021 को एक सीमित नाटकीय रिलीज थी। यह विभिन्न वीओडी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए भी उपलब्ध थी था। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 11 पेशेवर आलोचकों में से 82% ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा दी, जिसका औसत 6.6/10 था। रेफरेंस के बारे में जान लेते हैं। रेफरेंस गेवेली पेग, द हेटिंग गेम, विशमैन एडर, होपेवाल जॉन, लूसी हेप, ब्रेगलफ ल्यू होपेवाल जॉन, द हैटिंग गेम, रोटेन टोमेटो अचीव्ड। एक्स्ट्रा लिंक्स ये बहुत लूसी हेल और ऑस्टिन स्टोवेल है। इस वर्टिकल एंटरटेनमेंट द्वारा 10 दिसंबर 2021 को सिनेमाघर और वीडियो ऑन डिमांड में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचक के आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। द हैटिंग गेम। लूसी हटन और जोशुआ टेम्पलमैन दो कार्यकारी सहायक जो अपनी संबंधित प्रकाशन कंपनियों के विलय के बाद एक साथ काम करने के लिए मजबूर हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर संभव तरीके से पूर्ण विरोधी उनकी कभी न खत्म होने वाली प्रतिद्वंद्विता सिर पर तब आ जाती है जब वे प्रबंध निदेशक के सामने पदोन्नति के लिए आमने सामने होते, अपनी नैतिकता में समझौता किए बिना पेशेवर सफलता हासिल करने का संकल्प लेते हुए लूसी ने जोश के खिलाफ एक अपमैनशिप के एक कुर खेलों को शुरू करने का फैसला किया। जी के निर्दोष लिफ्ट की सवारी के बाद सेकेंड के मामले में एक एनएसएनएसएफ डब्ल्यू को बदलने देने के बाद अपेक्षा से अधिक जटिल हो जाते हैं। जैसे जैसे उसकी कथित दस्ता के प्रति आकर्षण बढ़ता है, लूसी जोश के साथ अपने संबंधों के बारे में सब कुछ सवाल करना शुरू कर देती है, जिसमें प्यार और नफरत के बीच खींची गई बारीकी रेखा भी शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं द हेटिंग मूवी गेम के बारे में।
द हेटिंग गेम मूवी के बारे में बताया जा रहा है, कुछ डिटेल जान लेते हैं। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये 2021 की अमेरिकन रन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर हॉचिक्स, स्क्रीन पे दिए हैं क्रिस्टिन मैकग्रट और बेस्ड ऑन सैली थॉरन द्वारा द हेटिंग गेम, और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाउड दलफ्रो, ब्रायन केडी, ब्राइस दलफ्रो, संतोष गोविंदराजू, डैन रियर्डन, स्टारिंग दिए लूसी हेल, ऑस्टिन स्टोवेल, डैमन डूनो, सकीना जफरी, कार्बिन बर्सन, सिनेमेटोग्राफी दिए हैं नूहू गिरनबर्ग और इसे एडिट किए जेसन निकोलसन और म्यूजिक दिए स्पेशर हॉचिक्स। प्रोडक्शन कंपनी अभिश्रण मीडिया, BCDF चित्र, मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट, सज्ञा फिल्म, बिग ईटी पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट किए, कार्य क्षेत्र मनोरंजन और इसका रिलीज डेट है 10 दिसंबर 2021। इसका रनिंग टाइम 102 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लूसी हेल के रूप में लूसी हटन और जोशुआ टेपलेमैन के रूप में ऑस्टिन स्टोवेल, डैनी फ्लेचर के रूप में डैमन डूनो, पैट्रिक टेम्पलमैन के रूप में निकोलस ब्रोदी, बैक्सेल के रूप में कॉर्बिन बर्सन, शगीना जाफरी, हेलन के रूप में एनाबेल, के रूप में तानिया असनेस, जूली के रूप में यशा जैक्सन, मेको के रूप में बॉर्क यूरिच, मीडी के रूप में कैथरीन बोशेवल। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। फिल्म की घोषणा मई 2019 में की गई थी, जिससे लूसी हेल और रॉबी अमेल के मुख्य भूमिका निभाई थी। 10 नवंबर 2020 को ऑस्टिन स्टोवेल के कास्ट किया गया था, क्योंकि एमएल शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण बाहर हो गया था। फिल्म का फिल्मांकन 21 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ और 23 दिसंबर 2020 को समाप्त हुआ। जुलाई 2021 में वर्टिकल एंटरटेनमेंट ने फिल्म के वितरण अधिकार साइन कर। चलिए फिर स्वागत के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में जान लेते हैं। द हेटिंग गेम की 10 दिसंबर 2021 को एक सीमित नाटकीय रिलीज थी। यह विभिन्न VOD प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए भी उपलब्ध थी था। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 11 पेशेवर आलोचकों में से 82% ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा दी, जिसका औसत 6.6/10 था। रिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। रिफरेंस गेवेली पेग, द हेटिंग गेम, विशमैन एडर, होपेवाल जॉन, लूसी हेप, ब्रेगलफ ल्यू होपेवेल जॉन, द हेटिंग गेम, रोटेन टोमेटो एचिप्ट, एक्स्ट्रा लिंक्स, ये बहुत लूसी है और ऑस्टिन स्टोवेल है। इस वर्टिकल एंटरटेनमेंट द्वारा 10 दिसंबर 2021 को सिनेमाघर और वीडियो ऑन डिमांड में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचक के आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। द हेटिंग गेम, लूसी हटन और जोशुआ टेम्पलमैन दो करे करी सहायक जो अपनी संबंधित
प्रकाशन कंपनियों के विलय के बाद एक साथ काम करने के लिए मजबूर हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर संभव तरीके से पूर्ण विरोधी उनकी कभी न खत्म होने वाली प्रतिद्वंद्विता सिर पर तब आ जाती है जब वे प्रबंध निदेशक के सामने पदोन्नति के लिए आमने सामने होते, अपनी नैतिकता में समझौता किए बिना पेशेवर सफलता हासिल करने का संकल्प लेते हुए लूसी ने जोस के खिलाफ एक अपमैनशिप के एक कुर खेलों को शुरू करने का फैसला किया। जी के निर्दोष लिफ्ट की सवारी के बाद सेकेंड के मामले में एक एनएसएनएसएफ डब्ल्यू को बदलने देने के बाद अपेक्षा से अधिक जटिल हो जाते हैं, जैसे जैसे उसकी कथित दस्ता के प्रति आकर्षण बढ़ता है। लूसी जोस के साथ अपने संबंधों के बारे में सब कुछ सवाल करना शुरू कर देती है, जिसमें प्यार और नफरत के बीच खींची गई बारीकी रेखा भी शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं द हेटिंग मूवी गेम के बारे में। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में बताया जा रहा है, कुछ डिटेल जान लेते हैं। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये 2021 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर हॉचिक्स, स्क्रीन पे दिए हैं क्रिस्टिन मैकग्रट और बेस्ट ऑन सैली थॉरन द्वारा द हेटिंग गेम, और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाउड दलफ्रो, ब्रायन के डी ब्राइस दलफ्रो, संतोष गोविंदराजू, डैन रियर्डन, स्टारिंग लूसी हेल, ऑस्टिन स्टोवेल, डेमन डूनो, सकीना जफरी, कार्बिन बर्सन, सिनेमेटोग्राफी दिए हैं नूह गिर्नबर्ग और इसे एडिट किए जेसन निकोलसन और म्यूजिक दिए स्पेशर हॉचिक्स। प्रोडक्शन कंपनी अभिश्रण मीडिया, BCDF चित्र, मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट, सज्ञा फिल्म, बिग ईटी पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट किए, कार्य क्षेत्र मनोरंजन, और इसका रिलीज डेट है 10 दिसंबर 2021, इसका रनिंग टाइम 102 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लूसी हेल के रूप में लूसी हटन और जोशुआ टेपलेमैन के रूप में ऑस्टिन स्टोवेल, डैनी फ्लेचर के रूप में डेमन डूनो, पैट्रिक टेम्पलमैन के रूप में निकोलस ब्रोदी, बैक्सेल के रूप में कॉर्बिन बर्सन, शगीना जाफरी, हेलन के रूप में एनाबेल, के रूप में तानिया असनेस, जोली के रूप में यशा जैक्सन, मेको के रूप में बॉर्क यूरिच, मीडी के रूप में कैथरीन बोशेवल। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। फिल्म की घोषणा मई 2019 में की गई थी, जिससे लूसी हेल और रॉबी एमेल के मुख्य भूमिका निभाई थी। 10 नवंबर 2020 को ऑस्टिन स्टोवेल के कास्ट किया गया था, क्योंकि एमेल शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण बाहर हो गया था। फिल्म का फिल्मांकन 21 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ और 23 दिसंबर 2020 को समाप्त हुआ। जुलाई 2021 में वर्टिकल एंटरटेनमेंट ने फिल्म के वितरण अधिकार साइन कर। चलिए फिर स्वागत के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में जान लेते हैं। द हेटिंग गेम की 10 दिसंबर 2021 को एक सीमित नाटकीय रिलीज थी। यह विभिन्न VOD प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए भी उपलब्ध थी था। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 11 पेशेवर आलोचकों में से 82% ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा दी, जिसका औसत 6.6 था। रिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। रिफरेंस गेवेली पेग, द हेटिंग गेम, विशमैन एडर, होपेवाल जॉन,
लूसी हेप ब्रेगलफ ल्यू हॉपेवेल जॉन द हैटिंग गेम रोटेन टोमेटो एक्स्ट्रा लिंक्स ये बहुत लूसी है और ऑस्टिन स्टोवेल है। इस वर्टिकल एंटरटेनमेंट द्वारा 10 दिसंबर 2021 को सिनेमाघर और वीडियो ऑन डिमांड में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचक के आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। द हैटिंग गेम। लूसी हडन और जोशुआ टेम्पलमैन दो कार्यकारी सहायक जो अपनी संबंधित प्रकाशन कंपनियों के विलय के बाद एक साथ काम करने के लिए मजबूर हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर संभव तरीके से पूर्ण विरोधी उनकी कभी न खत्म होने वाली प्रतिद्वंद्विता सिर पर तब आ जाती है जब वे प्रबंध निदेशक के सामने पदोन्नति के लिए आमने सामने होते। अपनी नैतिकता में समझौता किए बिना पेशेवर सफलता हासिल करने का संकल्प लेते हुए लूसी ने जोश के खिलाफ एक अपमैनशिप के एक कुर खेलों को शुरू करने का फैसला किया। जी के निर्दोष लिफ्ट की सवारी के बाद सेकंड के मामले में एक एनएसएनएसएफ डब्ल्यू को बदलने देने के बाद अपेक्षा से अधिक जटिल हो जाते हैं। जैसे जैसे उसकी कथित दस्ता के प्रति आकर्षण बढ़ता है, लूसी जोश के साथ अपने संबंधों के बारे में सब कुछ सवाल करना शुरू कर देती है, जिसमें प्यार और नफरत के बीच खींची गई बारीकी रेखा भी शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं द हेटिंग मूवी गेम के बारे में। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में बताया जा रहा है, कुछ डिटेल जान लेते हैं। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये 2021 की अमेरिकन रन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर हॉचिक्स, स्क्रीन पे दिए हैं क्रिस्टिन मैकग्रट और बेस्ट ऑन सैली थॉरन द्वारा द हैटिंग गेम, और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाउड डेल्फ्रो, ब्रायन केडी, ब्राइस डेल्फ्रो, संतोष गोविंदराजू, डैन रियर्डन, स्टारिंग दिए लूसी हेल, ऑस्टिन स्टोवेल, डेमन दोनों सकीना जफरी, कार्बिन बर्सन सिनेमेटोग्राफी दिए हैं नूहू गिरनबर्ग, और इसे एडिट किए जेसन निकोलसन, और म्यूजिक दिए स्पेशल हॉचिक्स, प्रोडक्शन कंपनी अभिश्रण मीडिया, BCDF चित्र मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट, सज्ञ फिल्म बिग ईटी पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट किए, कार्य क्षेत्र मनोरंजन, और इसका रिलीज डेट है 10 दिसंबर 2021, इसका रनिंग टाइम 102 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लूसी हेल के रूप में लूसी हटन और जोशुआ टेम्पलमैन के रूप में ऑस्टिन स्टोवेल, डैनी फ्लेचर के रूप में डेमन डोनो, पैट्रिक टेम्पलमैन के रूप में निकोलस ब्रोदी, बैक्सेल के रूप में कॉर्बिन बर्सन, शगीना जाफरी, हेलन के रूप में एनाबेल, के रूप में तानिया असनेस, जोली के रूप में यशा जैक्सन, मेको के रूप में बॉर्क यूरिच, मीडी के रूप में कैथरीन बोशेवल। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। फिल्म की घोषणा मई 2019 में की गई थी, जिससे लूसी हेल और रॉबी अमेल के मुख्य भूमिका निभाई थी। 10 नवंबर 2020 को ऑस्टिन स्टोवेल के कास्ट किया गया था।
क्योंकि एमएल शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण बाहर हो गया था। फिल्म का फिल्मांकन 21 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ और 23 दिसंबर 2020 को समाप्त हुआ। जुलाई 2021 में वर्टिकल एंटरटेनमेंट ने फिल्म के वितरण अधिकार साइन कर। चलिए स्वागत के बारे में जान लेते हैं, इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में जान लेते हैं। द हेटिंग गेम की 10 दिसंबर 2021 को एक सीमित नाटकीय रिलीज थी। यह विभिन्न वीओडी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए भी उपलब्ध थी था। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 11 पेशेवर आलोचकों में से 82% ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा दी, जिसका औसत 6.6 था। रेफरेंस के बारे में जान लेते हैं। रेफरेंस गेवेली पेग, द हेटिंग गेम, विशमैन एडर, होपेवाल जॉन, लूसी हेप, ब्रेगलफ ली होपेवाल जॉन। द हेटिंग गेम रोटेन टोमेटो एचिप्ट एक्स्ट्रा लिंक्स। ये बहुत लूसी है और ऑस्टिन स्टोवेल है। इस वर्टिकल एंटरटेनमेंट द्वारा 10 दिसंबर 2021 को सिनेमाघर और वीडियो ऑन डिमांड में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचक के आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Please subscribe our channel and press the bell icon. Thanks for watching this video. The Hatting Game. लूसी हडन और जोशुआ टेम्पलमैन दो कार्यकारी सहायक जो अपनी संबंधित प्रकाशन कंपनियों के विलय के बाद एक साथ काम करने के लिए मजबूर हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर संभव तरीके से पूर्ण विरोधी उनकी कभी न खत्म होने वाली प्रतिद्वंद्विता सिर पर तब आ जाती है जब वे प्रबंध निदेशक के सामने पदोन्नति के लिए आमने सामने होते। अपनी नैतिकता में समझौता किए बिना पेशेवर सफलता हासिल करने का संकल्प लेते हुए लूसी ने जोश के खिलाफ एक अपमैनशिप के एक कुर खेलों को शुरू करने का फैसला किया। जी के निर्दोष लिफ्ट की सवारी के बाद सेकंड के मामले में एक एनएसएनएसएफ डब्ल्यू को बदलने देने के बाद अपेक्षा से अधिक जटिल हो जाते हैं। जैसे जैसे उसकी कथित दस्ता के प्रति आकर्षण बढ़ता है, लूसी जोश के साथ अपने संबंधों के बारे में सब कुछ सवाल करना शुरू कर देती है, जिसमें प्यार और नफरत के बीच खींची गई बारीकी रेखा भी शामिल है। चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं द हेटिंग मूवी गेम के बारे में। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में बताया जा रहा है, कुछ डिटेल जान लेते हैं। द हेटिंग गेम मूवी के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये 2021 की अमेरिकन रन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर हॉचिक्स, स्क्रीन पे दिए क्रिस्टिन मैकग्रट और बेस्ड ऑन सैली थॉर्न द्वारा द हेटिंग गेम, और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाउड दलफ्रो, ब्रायन केडी, ब्राइस दलफ्रो, संतोष गोविंदराजू, डैन रियर्डन, स्टारिंग दिए लूसी हेल, ऑस्टिन स्टोवेल, डेमन दोनों, सकीना जफरी, कार्बिन बर्सन, सिनेमेटोग्राफी दिए हैं नूहू गिरनबर्ग और इसे एडिट किए जेसन निकोलसन और म्यूजिक दिए स्पेशल हॉचिक्स। प्रोडक्शन कंपनी अभिश्रण मीडिया, BCDF चित्र, मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट, सज्ञा फिल्म, बिग ईटी पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट किए, कार्य क्षेत्र मनोरंजन और इसका रिलीज डेट है 10 दिसंबर 2021। इसका रनिंग टाइम 102 मिनट और ये
यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लूसी हेल के रूप में लूसी हटन और जोशुआ टेपलेमैन के रूप में ऑस्टिन स्टोवेल, डैनी फ्लेचर के रूप में डेमन डोनो, पैट्रिक टेम्पलमैन के रूप में निकोलस ब्रोदी, बैक्सेल के रूप में कॉर्बिन बर्सन, शगीना जाफरी हेलन के रूप में एनाबेल के रूप में तानिया असनेस, जोली के रूप में यशा जैक्सन, मेको के रूप में बॉर्क यूरिच, मीडी के रूप में कैथरीन बोशेवल। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। फिल्म की घोषणा मई 2019 में की गई थी, जिससे लूसी हेल और रॉबी ओमेल के मुख्य भूमिका निभाई थी। 10 नवंबर 2020 को ऑस्टिन स्टोवेल के कास्ट किया गया था, क्योंकि एमएल शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण बाहर हो गया था। फिल्म का फिल्मांकन 21 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ और 23 दिसंबर 2020 को समाप्त हुआ। जुलाई 2021 में वर्टिकल एंटरटेनमेंट ने फिल्म के वितरण अधिकार साइन कर। चलिए फिर स्वागत के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में जान लेते हैं। द हेटिंग गेम की 10 दिसंबर 2021 को एक सीमित नाटकीय रिलीज थी। यह विभिन्न वीओडी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए भी उपलब्ध थी था। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 11 पेशेवर आलोचकों में से 82% ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा दी, जिसका औसत 6.6/10 था। रिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। रिफरेंस गेवेली पेग, द हेटिंग गेम, विशमैन एडर, होपेवाल जॉन, लूसी हेप, ब्रेगलफ ल्यू होपेवाल जॉन, द हैटिंग गेम, रोटेन टोमेटो एचिप्ट। एक्स्ट्रा लिंक्स ये बहुत लूसी हेल और ऑस्टिन स्टोवेल है। इस वर्टिकल एंटरटेनमेंट द्वारा 10 दिसंबर 2021 को सिनेमाघर और वीडियो ऑन डिमांड में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचक के आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।